मंझौल अनुमंडलीय वकील संघ भवन मंझौल में गुरुवार को अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय मंझौल के प्रथम एडीजे शिवचंद्र के सेवानिवृत्त के उपरांत उन्हें भावभीनी विदाई दी गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता अनुमंडल वकील संघ मंझौल के अध्यक्ष रामचंद्र प्रसाद सिंह ने की। मौके पर अधिवक्ताओं ने सेवानिवृत्त एडीजे को फूलमालाओं एवं अंग वस्त्र से सम्मानित किया। विदित हो कि गत 30 जुलाई 2023 को अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय के नवनिर्मित कोर्ट भवन एवं एडीजे कोर्ट का उद्घाटन पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश पार्थ सारथी के द्वारा ऑनलाइन किया गया था तथा इनका पदस्थापना किया गया था। इस प्रकार एडीजे शिवचंद्र का अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय मंझौल में कुल एक माह का कार्यकाल रहा। इस अवसर पर सेवानिवृत्त एडीजे ने अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ताओं एवं न्यायिक पदाधिकारियों के कार्यशैली एवं व्यवहार की सराहना करते हुए कहा, यहाँ सेवा का अवसर तो बहुत कम मिला, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वर्षों का साथ और संबंध रहा हो। वहीं मुंशीफ सह न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी राजेश रंजन ने कहा, सर के सानिध्य में बहुत कुछ सीखने को मिला। सर अपनी कार्य कुशलता और विनम्रता के लिए कर्तव्य निष्ठ न्यायाधीश के रूप में अविस्मरणीय रहेंगे। मौके पर ACJM सह सब जज शिव कुमार शर्मा, SDJM शहनाज आलम, PP संतोष कुमार, APO प्रवीण कुमार, नितेश कुमार, अधिवक्ता दिलीप शर्मा, परमानंद चौधरी, कुंदन कुमारी, सुरेश प्रसाद सिंह, शकील अहमद, मोहम्मद हफीज, मोहम्मद हसनैन, इंदिरा झा, मनोज कुमार, गंगाधर प्रसाद सिन्हा, सत्यनारायण महतो, महबूब आलम सहित अन्य अधिवक्तागण मौजूद थे। ये सब उनकी जा जो इसके रिलेशन में जो भी ऑफेंस आते थे उसके तहत इनको नया यहाँ से मिलता था। अब सेशन पूर्ण भी खुल गया है, अब यहाँ के अधिवक्ता और इनके क्लाइंटों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। जो न्याय के लिए प्रोटेक्टेड और जो न्याय के लिए विलम्ब होता था आने में जाने में, हमारा दूर दूर से क्लाइंट आता था, समय से नहीं कोर्ट पहुँच पाता था, वो सब समस्याएँ कोर्ट खुलने से दूर हो गई। चलिए